नूडल्स उबालने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोनी में पानी उबाल लिया है। देखिए पानी में जो है उबाल आने लगा है। हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है और नूडल्स को मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। तोड़ के मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये फिर अच्छे नहीं लगेंगे, बनने के बाद टूटे हुए लगेंगे, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही उबाल रही हूँ। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है और हमें इसे 80% ही कुक करना है। तो अब हम इन्हें पकने देते हैं। 6 से 7 मिनट हमें इन्हें उबालने में टाइम लगेगा। नूडल्स को हमने 80% उबाल लिया है। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, हमने कितनी आसानी से ये टूट गया है। हमने इसको इतना ही उबाला है। तो अब हमारे गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इन्हें छान लेते हैं। हमें इस तरह से इनको एक छलनी से छान लेना है और इस तरह से इसका पानी अच्छे से झटक के निकाल लेना है। और हमें एक प्लेट लेना है और इसमें हमारे जो नूडल्स हैं हम उसको उड़ेल लेंगे और इसको इस तरह से हम फैला लेंगे ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। और थोड़ा सा हमें इसके ऊपर ऑयल इस तरह से डालना है, जो हमारे नूडल्स हैं वो चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। रेस्टोरेंट में ऐसे ही रखे जाते हैं नूडल्स, देखा होगा आपने रेस्टोरेंट में, जो हमारे जो नूडल्स रहते हैं वो चिपके हुए नहीं रहते हैं। वो लोग इस तरीके से नूडल्स में तेल लगा के रख देते हैं ताकि ये आपस में चिपकते नहीं हैं। और हमें भी इसमें अच्छे से तेल जो है मिक्स करके पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ और गैस को हम ऑन कर लेंगे और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ, हम अदरक से ही इसका बघार लगाएंगे। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा हमारे चाउमीन में। तब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हमारा अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें, मैंने यहाँ पे हरी और लाल मिर्च को इस तरह से दरदरा को पीस लिया। हरी लाल मिर्च को हमने इसमें ऐड कर लिया, हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक कटोरी पत्ता गोभी लिया जिसे इस तरह से कट कर लिया, हम उसे ऐड कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ी सी गाजर ली है, हम उसे भी ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारी गोभी और गाजर जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है इसलिए मैंने शिमला मिर्च को बाद में ऐड किया है। तो हम इसे 30 सेकेंड अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं 30 सेकेंड में। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ। हम इसे मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, आप याद रखिएगा। बस हमें इसे मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया है। मैं इसमें 1 चम्मच मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। हमें इसे भी सिर्फ मिक्स ही करना है, हमें इसे पकाना नहीं है। अब हम इसमें हमारे नूडल्स ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको डालना है इसमें नूडल्स को, अलग अलग करके, बिल्कुल इकट्ठा मत डाल दीजिएगा। देखिए इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है ताकि जो हमारी जो वेजिटेबल है वो जल नहीं जाए। तो हमारे जो नूडल्स हैं अच्छे से इसमें डल गए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है, ज़्यादा इसे चलाना नहीं है वरना जो हमारे नूडल्स हैं वो टूट भी सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे जो नूडल्स हैं देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो बस जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो मैं डालूंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो देखिए हमारे जो नूडल्स हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे जो नूडल्स हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। देखने में ये कितने स्पाइसी और कितने यमी लग रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके।